नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट हम करना चाहते हैं। मैं कुछ लोगों का नाम और स्टेट अनाउंस करने जा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा इन्होंने क्या किया है। ध्यान से सुनिए। वेस्ट बंगाल से बपन हल्दर, सुनील कुमार शाह गोपालगंज बिहार से, चंदन शर्मा जहानाबाद बिहार से, राम महेश नोएडा उत्तर प्रदेश से, नीलेश जायसवाल जोधपुर राजस्थान से, रजनी कुमारी जमशेदपुर झारखंड से। एक बहन है जो स्कूल में टीचर है। अब सुनिए इन महानुभावों ने क्या किया है। इन्होंने अपनी तरफ से 100 दिव्य प्रेरणा प्रकाश किताब ऑर्डर किया है स्कूल में और कॉलेज में बच्चों में बांटने के लिए। हमेशा याद रखें, बाहर का जो विकास है उससे 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है आंतरिक विकास। आंतरिक विकास सिर्फ ब्रह्मचर्य से ही संभव है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, जवान होते ही जिसके पास ये किताब आ जाएगी वो जिंदगी में कभी सुसाइड नहीं करेगा। अगर कोई गलती नहीं करते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, तो फ्यूचर में एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर बन करके उभरते हैं। समाज और देश के इस आंतरिक विकास में इन महानुभवों का जो योगदान है हमेशा याद रखा जाएगा। टीम मंथन हब की तरफ से हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं हमारे देश में और भी महानुभव हैं जो इनसे इंस्पायर होकर के वो भी ऐसा ही कुछ कदम उठाएंगे और अपने देश को अपने समाज को मजबूत बनाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में जो आप टाइटल देख रहे हैं वो मेरा अपना विचार है, वो विचार उनका नहीं है। जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, इनकी फोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि इनके बारे में मुझे पता नहीं था। हमने इस वीडियो में इनका मैसेज दिया है। इन्होंने कहा था कि किस तरीके से सेक्स का कृत्रिमीकरण हो रहा है, आर्टिफिशियलाइजेशन हो रहा है और हम दबाव में काम करते हैं, हम कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हैं, अच्छा कदम उठा नहीं पाते हैं, तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इस चीज़ को उन्होंने अपने क्लास में हाईलाइट किया था। इनके स्टूडेंट्स ने मुझे इन्फॉर्म किया और बताया ये है हमारे देश के भूतपूर्व IAS ऑफिसर और अभी वो IAS की ट्रेनिंग देते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। इनका नाम है डॉक्टर विकास डीवी कीर्ति जी। अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही है या पहुंचेगी तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बीच बीच में इस तरीके के सेंसिटिव टॉपिक पर बात जरूर करते रहें और स्टूडेंट्स को अवेयर करते रहें, क्योंकि इसी बात से ही वास्तविक में स्टूडेंट्स का आंतरिक विकास होगा। इस टॉपिक पर बात नहीं हो रही है इसीलिए स्टूडेंट्स की ऊर्जा जो है बिखर जाती है। स्टूडेंट 100% अपना आउटपुट अपने लिए और इस देश के लिए नहीं दे पाता है। मंथन हब के सब्सक्राइबर्स बहुत लोग हैं जो सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड में हैं, कोई पुलिस में है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, हमें ईमेल भी करते हैं। बहुत मेहनत करके 16-17 घंटा मेहनत करके इस उम्मीद से वो IPS ऑफिसर बनते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं कि कुछ हट करके करेंगे देश के लिए, कुछ इनोवेटिव करेंगे। उनकी जो खुशी है जब IAS को क्लियर करते हैं, तो कोई IPS ऑफिसर बनता है तो कोई IAS ऑफिसर बनता है, कोई कोई तो टॉपर बन जाते हैं। उनकी जो खुशी है टेम्पररी होती है। उनको जो चाहने वाले लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं, उनकी भी खुशी टेम्पररी होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2-3 साल तक जब सर्विस कर लेते हैं उसके बाद उस ऑफिसर को महसूस होने लग जाता है कि मैं एक कठपुतली हूं, मैं कुछ हट करके नहीं सोच सकता, नहीं कर सकता, कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो मैं इस सर्विस में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दबाव में काम करना पड़ता है, उसे एक खतरनाक प्रेशर में काम करना पड़ता है। यही हमारे देश का सिस्टम है और दुर्भाग्य है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी क्वालिटी होने के बाद भी, इतनी नॉलेज होने के बाद भी, और वो चाह कर भी, दिल तो चाहता है उसका कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, इस दुनिया के लिए कुछ करूं, लेकिन वो कर नहीं पाता है, किसी को कह भी नहीं पाता है। जब उसके सामने एक चैलेंज आ जाता है, या तो मैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ बड़ा करूं, या तो मैं इस सर्विस को छोड़ दूं। लेकिन जब सर्विस छूट जाएगी तो अधिकार कहाँ रहेगा, बिना अधिकार का काम भी नहीं कर सकता।
इसीलिए वो सोचते हैं चलो सर्वाइव कर लें, अपनी फैमिली को भी देख ले कर लें, कैसे भी करके समय काट लें। ये जो सिचुएशन है सभी के साथ है। जो भी आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर मेरी बात को सुन रहे होंगे या सुनेंगे, इस चीज़ को वो एक्नोलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि यही रियलिटी है। तो क्या सोल्यूशन है? क्या हम आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर ना बने? जरूर बने, लेकिन बनेंगे तो सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, प्रेशर में काम करना पड़ेगा। एक्चुअल में हम देश का भला नहीं कर पाएंगे। सोल्यूशन ऑन द स्पॉट तो नहीं है, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में बहुत बड़ा सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी क्रांति आती हुई दिखाई दे रही है। एक काम किया जा सकता है, कम से कम 25 साल तक, शादी से पहले तक अगर हर स्टूडेंट्स ब्रह्मचर्य एजुकेशन को जोर दे तो ये काम हो सकता है। अभी तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 5 साल में हमारा देश इतना चमक जाएगा, इतना चमक जाएगा कि फिर से विश्वगुरु कहलाएगा। आप ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि सिस्टम ब्रह्मचर्य एजुकेशन को जोर देगा या उसे इंप्लीमेंट करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सिस्टम ब्रह्मचर्य एजुकेशन को जोर देने लगेगा तो सिस्टम रहेगा ही नहीं, और सिस्टम कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं ना रहूं। हमारा देश जो है सोने की चिड़िया तब कहलाता था, विश्वगुरु तब कहलाता था जब हमारे देश में गुरुकुल एजुकेशन अपनी पराकाष्ठा पे था, जब हमारे देश में गुरुओं का सम्मान हुआ करता था, गुरुओं की पूजा हुआ करती थी, गुरुओं की वंदना हुआ करती थी, गुरुओं के ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ करता था, तब हमारा देश विश्वगुरु कहलाता था। इस कंडीशन से, इस समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है। वो अस्त्र है दिव्य प्रेरणा प्रकाश। ये अस्त्र इतना कारगर है, जिस स्टूडेंट के हाथ में, जिस घर में ये किताब है, वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी, वो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर कोई भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, खराब कंडीशन हो जाए, वो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा और अपने पैर पर मजबूती से फिर से खड़ा होगा। ना कि सिर्फ व्यक्तिगत रूप से खड़ा होगा, बल्कि समाज को भी मजबूती से खड़ा कर पाए। जो मैसेज मैंने इस वीडियो में दिया है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो आप लोग समझ रहे होंगे, वो लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम ये उपाय नहीं करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम बस रोबोट की तरह इस दुनिया में घूमते हुए नजर आएंगे और हमें कोई अपनी मर्जी से बटन दबा दबा करके काम करा रहा होगा और हम ना ठीक से सोच पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, बस रोबोट की तरह हम घूमते हुए नजर आएंगे। दिव्य प्रेरणा प्रकाश किताब को फैलाएं और अभी से आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बनाने में अपना सहयोग दें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।